ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ, 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਪ ਪਾਉਂਗੇ ਪੈਪ ਪਾਉਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। एक महीना हो गया कंटिन्यू ऐसे ही है, एक महीने से ऊपर है, सब कुछ कर लिया सर, इतना पुलिस सफाई भी करते हैं गली की, सब कुछ करते हैं, और कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं है। कहते पहले कहते हैं गली का नंबर वन लगा हुआ है बनने का, मगर अब तक नहीं बनी। जो उधर ये कह रहे थे इस गली के फोटो फोटो खींच के लेके गए थे, ये गली बन जाएगी, गली नहीं बन पाई। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਲੈਟਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੋਕ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ये तो अभी ये हाल है, अभी सावन आने वाला है तो क्या हो गया, बीज बहुत बुरा हो जाता है, इन्ना पानी हो जाता है, सारे गटरे गटर होते हैं जी, बहुत बुरा हाल है, मारा बुरा हाल हो रहा, लग नहीं सकते, हमें गिर जा आने जाना बहुत मुश्किल हो रहा, गली में देखो क्या हाल हो रहा। चंडीगढ़ की समस्याओं की सीरीज नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हल्लो माजरा का मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत से गटर के रिसाव देखे, अब ये मुद्दा ही बन चुका है यहाँ पे कि गटरों का जो रिसाव है वो होता ही रहता है, गली 1 हो, गली 2 हो, गली 3 हो, जितनी भी गलियां हो वहां पे हर एक गटर ब्लॉक है और वहां से रिसाव हो ही रहा है। तस्वीरों से दिखाना शुरू करता हूँ आपको, एक ये गटर है, ये देखिए पीछे से रिसाव आ रहा है, जो है वो ऊपर ही दिखाई दे रही है, कितनी ज्यादा गंदगी है। घरों के दरवाजे यहीं से खुलते हैं, ये घर है यहाँ पे, लोगों के आने जाने का रास्ता भी यही है। अब इतनी गंदगी के बीच में चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के, बड़े बड़े कैमरे लगा दिए गए, बहुत सा पैसा पानी की तरह बहा दिया गया इसके सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन वो खूबसूरती बढ़ाना तो दूर की बात है, ये जो आम पब्लिक यहाँ पे रहती है उनके लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, साफ सफाई, मोदी जी कहते हैं कि साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसा स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहीं के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये दशा तो देख के मेरे हिसाब से हमारे दर्शक समझ ही गए थे, आपके हिसाब से क्या है? बहुत बुरा हाल है जी, महीना हो गया जिन्होंने ब्लॉक हुई नहीं, आते हैं तार जी मार के चले जाते हैं, बस हो गई, कितने आते हैं देख लो, सारा बहुत बुरा हाल है, रिश्तेदार भी नहीं आते, रिश्तेदार कि बहुत बुरा हाल है जी, इन्नी मुश्किल, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे बीमार होने का डर है जी। तो ये तो अभी ये हाल है, अभी सावन आने वाला है तो क्या हो गया, बीज बहुत बुरा हाल है, इन्ना पानी हो जाता है, सारे गटरे गटर होते हैं जी, बहुत बुरा हाल, कुछ कराओ जी। तो लोगों की गुहार फिर से अभी आखिरी शब्दों में भाई साहब ने कहा कि कुछ कराओ, इनका माता जी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माता जी क्या नाम है आपका? संतोष रानी। क्या क्या कहना चाहेंगे ये सारे भाई? यहाँ तो हम तो लिखने से भी तंग हो रहे हैं, लैटरिंग लैटरिंग का बहुत बुरा, बहुत तंग हो गए हम तो, इतनी सकता भी दे लिया इनको और फिर भी कोई है सुन रहा, चढ़ाई तो पाई नहीं रहे कोई भी, कितने फेरी वार जा कर कह रहे पड़ जाएंगे पड़ जाएंगे, पढ़ते हैं नहीं है, कितने तंग हो। बीबी क्या कहना चाहेंगे? हमें गड़े सुमारांगे समारोह समय मारा बुरा हाल हो रहा, लग नहीं सकते, हमें गिर जा आने जाना बहुत मुश्किल हो रहा, गली में देखो क्या हाल हो रहा। बुढ़ापा है, पहले भी आपने देखा था कि उनको बुजुर्ग लोग हैं, चलने में समस्याएं, लेकिन चलते वक्त भी गिर जाते हैं, इनके लिए भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ख्याल नहीं है, ये तो साफ देखने को मिल रहा है। और लोगों के एक बार माता जी क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हमारी सड़क साफ होनी चाहिए, तो हमारे बच्चे दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम कहाँ जाएं,
बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी सुनवाई नहीं, कोई सिपर आएंगे एक टक्का से लगा के चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए ये बताओ। हमारे एक महीना होगा कंटिन्यू ऐसे ही है, एक महीने से ऊपर है, सब कुछ कर लिया सर, इतना इतनी सफाई भी करते हैं गली की, सब कुछ करते हैं और कोई सुनवाई नहीं, बस ये होगा कोई भी सुनवाई नहीं है। कहते थे पहले कहते हैं गली का नंबर लगा हुआ है बनने का, मगर अभी तक नहीं बना। जो ये कह रहे थे इस गली का फोटो खींच के लेके गए थे कि गली बन जाएगी, मगर ये गली नहीं बनी। ये कितने वक्त की बात हो गई फोटो वगैरह खींच के लेके गए? बट ये कम से कम दो तीन महीने की बात हो गई है, वो उधर वाली गली बन चुकी है, मगर इस गली का नंबर लेके गए थे, खींच के लेके गए थे फोटो, मगर इस गली का नंबर कुछ नहीं लगा। दरवाजा खुल चुका है, माता जी का घर है यहीं पे, एक बार माता जी से पूछते हैं कि ये गली आप तो यहाँ 24 घंटे रह रहे हैं, पहले नाम जानना चाहूंगा और ये बताइए कि किस कैसा रहता है 24 घंटे सातों दिन और कई महीने बीत चुके हैं। इसमें ताजी हो गए 7-8 महीने है ना, 7-8 महीने ताजी हो गए, इसमें बहुत बुरा हाल आ गया, हम तो अंदर बैठ नहीं सकते हैं, बच्चे मारे बीमार, मैं बीमार, इतनी गंदगी की वजह से पे ही रहा, पहले ही बीमार होर पे रहा, फिर हैं दसो कितना बुरा हाल आ, पैर धरने जोगे हमें नहीं है, बाहर निकल जोगे नहीं है, हैं इतनी गंदगी पई हुई है, कितने जावा जी, घर तो नहीं छोड़ के जा सकते हैं, हैं इतना भैड़ा हाल होया वा जी मारे, 15 दिन तो हो गए जी इसमें लगातार बैठे इतनी गंदगी की वजह से बंदा घरे छोड़ सका इस तरह का, फिर और क्या करना, बाहर आना एक मिनट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका, नाम बताओ और खेलने कहाँ जाते हो, गर्मियों की छुट्टियां निकल गई कहाँ खेलते हो, कहाँ खेलते हो? इतने तो लेगा नहीं, उत्थे तक पानी इन्ना भर जाता ना, सानू पेंट उपर करनी पैंदी है, है जी बच्चा का मारा बहुत बुरा, लैटन इन्नी लिखना ना पैर भी मारे कर दूंगे, ठीक है जी। अच्छा जो प्रधान बनाया सी उन्हें कदी आटका देखे नहीं, ठीक है जी। बाकी है वोटा हमें पाइया जरूर, मुड़का मारी गल बहते करे तो तीन एक सारी गलियां बनाऊंगा, एक गलियां बनानियां, एक सारी सिवरेज पानी है जी, एक हो पता नहीं केड़ा कम, तीन तीन कम तो कहते कोई भी मारा कम नहीं, ठीक है जी। हमें बहुत तंग है जी इतने, ये बरसात के बीच बरसात का महीना है, कल उड़े तो लेगा उत्थे तक पानी पानी खड़ा थे, है जी दसो का मसला क्या हल होगा जी, ठीक है जी। बाकी आन के देखे नहीं जी कभी, है कभी भी देखे, पहले पहले कब आए थे यहाँ? मेरा बहुत देर हो गई, मेरा जो पुतला है जी, जब पुतला बुकया था जद ही आया था, है जी उते बात मुड़का बूहे दिखाया, मतलब पुतला फूकने पे आते हैं उससे पहले नहीं आते, हां वो चली आए थे था, वो भी ऊपर आया था जी, वो परा फूके था चक्की वाले के पास, अच्छा उते बाद आए नहीं, वो वाली गली बन गई थी, इस गली का कोई सुधार नहीं आया, फटाफट 5 साल हो गए इस गली को, मतलब जितनी बार पुतला फूकोगे उसी गली का सुधार होगा, उस गली का सुधार हुआ अदरवाइज कोई गली का सुधार नहीं हुआ जी, इस गली का तो बिल्कुल ही सुधार नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से कमाल का प्रशासन ने पुतला फूको तब सुधार होगा है, चलो देख लो ये ध्यान से रहे, हम भी भाई फिर थानू पता जी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, टट्टी इतनी लिगड़ा उठे तो टट्टी टट्टी हो गया है, असि बहुत तंग होए पे। किस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या परेशानी है ये देखिए, कहाँ खेलते होंगे, कहाँ घर से बाहर निकलते ही समंदर बना हुआ है, गटर का पानी बाहर है और लैटरिंगे बाहर है, कुछ कहना ही बिल्कुल मेरे हिसाब से शब्द नहीं रह गए हैं मेरे पास भी। अब सवाल फिर से यही है कि कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन चंडीगढ़ में ऐसा अधिकारी होगा, कौन होगा, कौन लीडर होगा जो इन समस्याओं को सॉल्व करेगा। पार्षद भी बेकार हो गए, बड़े बड़े लोग बेकार हो गए, बड़े लोगों तक इन लोगों ने अपीलें दे दी लेकिन उनकी समस्याओं का सामना आज दिन तक नहीं हो पाया। ये वीडियो अधिक से अधिक फिर से शेयर कीजिए ताकि ये जो समस्याएं हैं इन लोगों की सरकार के प्रशासन के कानों तक पहुंचे और चंडीगढ़ को वाकई स्मार्ट सिटी बनाने की ओर लेके जाया जा सके। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।